हरे कृष्ण मित्रों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं अशोक आचार्य आज लेकर आया हूं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कि कौन सा रत्न आपके लिए शुभ रहेगा, कौन सा रत्न धारण करने से आपका भाग्य बदल सकता है या नहीं बदल सकता, कौन सा रत्न यदि आप धारण करेंगे उससे आपके जीवन के अंदर सुख समृद्धि आ सकती है, कौन सी राशि के लिए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए जिससे कि आपके जीवन के अंदर धन वैभव सुख समृद्धि आ सके, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपकी राशि के लिए कौन सा रत्न शुभ रहेगा। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में रत्नों का विशेष महत्व है। व्यक्ति की राशि एवं कुंडली में विराजमान ग्रहों की शांति के लिए प्रकृति में पाए जाने वाले स्टोन्स, जेमस्टोन या रत्नों का बहुत बड़ा महत्व होता है। इन रत्नों को धारण करने से हमारे जीवन के अंदर सफलता प्राप्त होती है। आज के समय में हर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर तरह तरह की परेशानियां हैं और कंफ्यूजन है, कॉम्पिटिशंस हैं और तरह तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। इन सब, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, जो कंपटीशन या जो एक मैं कहूँगा जीवन के अंदर एक प्रतियोगिता बनी हुई है उसको लेकर व्यक्ति तरह तरह के उपाय करता रहता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे कि उसके जीवन के अंदर सुख समृद्धि आ सके। दोस्तों, इसमें ज्योतिष शास्त्र के अंदर सबसे जो मैं कहूँगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या एक मैं कहूँगा कि ज़्यादातर जो उपाय हम करते हैं उनमें रत्नों का बहुत बड़ा महत्व होता है। दूसरी बात यह है कि हमको जो रत्न धारण करना चाहिए, कई बार ऐसा देखने में आता है कि आप कोई भी धारण कर लेते हैं लेकिन जब भी आप कोई रत्न धारण करें उसको ये देख लीजिए कि वो आपकी राशि के हिसाब से शुभ है या अशुभ है। दूसरी बात ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप रत्न धारण करने जा रहे हैं कहीं वो आपकी जन्म कुंडली में अशुभ ग्रहों को फ्रेंड तो नहीं है, यानी कि उनको प्रतिनिधित्व तो नहीं करता, क्योंकि यदि आप अपनी जन्म कुंडली में अशुभ ग्रह का रत्न धारण करेंगे तो उससे लाभ होने के बजाय आपको काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में वो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी राशि के लिए आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कौन सा रत्न धारण नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा क्या चल रही है। उसके बाद गोचर को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए रत्न धारण करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सफलता प्राप्त होने शुरू हो गई है। अब कैसे पहचाने कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर कौन सा रत्न शुभ होगा या नहीं होगा, इसको मैं यहां पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहा हूं और यदि आप उसको ध्यान में रखेंगे तो आपको बड़ी सरलता से पता चलेगा कि आपकी जन्म कुंडली में आपके लगन के अनुसार, जिसको हम असेंडेंट भी कहते हैं, कौन सा रत्न शुभ होगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो मुख्य रूप से 9 ग्रह हैं उनको हम 2 टीमों में बांट लेते हैं। पहली टीम ए टीम, मैं यहां पर उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं, ए टीम के अंदर सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु, ये एक टीम हो गई। और जब भी आप कोई रत्न धारण करें तो आप सूर्य का रत्न, माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं, चंद्रमा का मोती, मंगल का मूंगा और गुरु का पुखराज। तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान देना है कि आपका लगन क्या है। उसके बाद दूसरी बात यह ध्यान देनी है कि आप
दुश्मन ग्रह का प्लेनेट का रत्न धारण ना करें। अब हम दूसरी टीम की बारे में बात करते हैं। पहली टीम में मैंने बताया सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु। दूसरी टीम जो आती है उसमें वह बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु। जब भी आप रत्न धारण करें तो आपका लगन जो भी उसका स्टोन बनता है तो उसके मित्र ग्रहों का रत्न आप धारण कर सकते हैं, शत्रु ग्रह का रत्न धारण ना करें। एक बात। दूसरी बात, अब आपको यह देखना पड़ेगा कि महादशा कौन सी है। दोस्तों, यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर लगन के अनुसार यदि दुश्मन ग्रह की महादशा चल रही है तो भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपको अपने लगन और लगन के जो मित्र ग्रह हैं उनका ही रत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो शत्रु ग्रह की जो महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है उसका असर कम होगा, वो बैलेंस हो जाएगी और आपको शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। यहां पर फिर मैं एक आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा। दोस्तों, जैसा कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बिना किसी ज्योतिष शास्त्र के, उसकी सलाह के बिना भी आप रत्न धारण करना कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा सामान्य ज्ञान होना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर यहां पर बता रहा हूं। यदि मान लो आपका जो लगन है वो सिंह लगन है, सिंह लगन का स्वामी सूर्य होता है, अब आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि आपको मानिक धारण करना चाहिए, और यदि आप चाहते हैं कि और शुभता बढ़ाना चाहते हैं, यदि आपकी जन्म कुंडली में मित्र ग्रह की ही अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो सूर्य ग्रह का, जैसा मैंने पहले ही बताया आपको, मित्र कौन होगा, चंद्रमा होगा, आप मोती पहन सकते हैं, मंगल होगा, यदि मंगल की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो आप मूंगा पहन सकते हैं, यदि गुरु की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या महादशा चल रही है तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये सब आपस में मित्र हैं। इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति का जो लग्न वो तुला बन जाता है, अब हम देखते हैं कि तुला लग्न के जो मित्र हैं, तुला ग्रह के जो मित्र हैं, तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र, और शुक्र ग्रह के जो प्लैनेट हैं वो शनि, बुध और राहु केतु हैं। तो अब आप ओपल के साथ या फिर डायमंड के साथ आप पन्ना धारण कर सकते हैं, आप ब्लू सफायर धारण कर सकते हैं, गोमे धारण कर सकते हैं और लहसुनिया धारण कर सकते हैं। तो ये जो मैंने यहां पर आपको फिलोसफी बताई, ये वैदिक सिस्टम से और मॉडर्न सिस्टम से दोनों से बताई। आप इस प्रकार से यदि रत्न धारण करेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए कौन सा रत्न आपको ज्यादा सुटेबल रहने वाला है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि के लिए कौन सा शुभ रत्न उनके लिए रहने वाला है, कौन सा लकी स्टोन यदि कैंसरियन पहनते हैं, कर्क राशि वाले पहनते हैं तो उनको जीवन के अंदर सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होगी। दोस्तों, मैं अशोक आचार्य पिछले 30 वर्षों से ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, स्पिरिचुअल हीलिंग के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को सलाह देता हूं, और यदि आप चाहते हैं कि आप भी जीवन के अंदर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से सफलता प्राप्त करें तो
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपनी बर्थ डिटेल लिखकर मुझे भेज दीजिए, हमारी टीम आपको तुरंत रिप्लाई करेगी। उससे पहले दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं, कैंसर जिनका लगन है उनको कौन सा स्टोन शुभ रहेगा। कर्क राशि का जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है, और यदि आपका लग्न चंद्र है तो आपके लिए जो बर्थ स्टोन आपके लिए रहने वाला है वो मोती रहेगा। चंद्रमा का जो मित्र ग्रह है वो मंगल है, मंगल का जो प्लेनेट जो रत्न रहेगा वो मूंगा रहेगा। चंद्रमा का जो मित्र प्लेनेट है वो गुरु है, गुरु का जो रत्न रहेगा वो पुखराज रहेगा। चंद्रमा का जो मित्र प्लेनेट है वो सूर्य है, सूर्य का जो जो रत्न रहेगा वो माणिक्य रहेगा। तो दोस्तों कर्क राशि के जो लोग हैं वो मोती धारण कर सकते हैं, वो माणिक्य धारण कर सकते हैं, वो पुखराज धारण कर सकते हैं, क्योंकि और मूंगा भी धारण कर सकते हैं। आप की जो भी महादशा चल रही है, और यदि मित्र ग्रह की अंतर और प्रत्यंतर भी है तो आपको रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। आप एक रत्न भी धारण कर सकते हैं, लग्नेश को हमेशा स्ट्रोंग रखना चाहिए, और कॉम्बिनेशन में मित्र ग्रहों का रत्न धारण कर सकते हैं। दोस्तों जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति बहुत सारे उपाय करता है, और रत्न धारण करना उसमें से सबसे सरल और आसान काम होता है। रत्न धारण करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस ग्रह का रत्न धारण कर रहे हैं, तो यदि आप पूजा पद्धति मंत्र में यदि विश्वास रखते हैं तो आप उस रत्न से संबंधित देवी देवता की पूजा भी आपको या मंत्र करेंगे तो लाभ होगा। और यदि आप पूजा पद्धति में विश्वास नहीं रखते हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए कि उस ग्रह से संबंधित जो भी उसका करैक्टर है, उस प्रकार का जीवन के अंदर आपका आचरण हो जिससे कि उस रत्न को धारण करने के बाद आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। और यदि आपके मन के अंदर कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई समस्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपनी बर्थ डिटेल हमें भेज दीजिए। व्हाट्सएप नंबर भी हमने दिया है, हमारी टीम आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करके आपको रिप्लाई करेगी। दोस्तों मैंने 12 राशियों के लिए कौन सा रत्न शुभ रहेगा उन पर वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सबका लिंक भी हमने दिया हुआ है, आप वहां पर जाके इसको देख सकते हैं। मित्रों आज के लिए केवल इतना ही, एक नए सब्जेक्ट के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए हरे कृष्णा।